अस्सलाम वालेकुम क्या हाल चाल है मेरी प्यारी प्यारी दोस्तों के उम्मीद सब ठीक ठाक होंगे खैरियत से होंगे खुश होंगे मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह <clears throat> मैं बिल्कुल सोने के लिए लेट गई थी आज मेरा मूड हो नहीं रहा था कि मैं वीडियो बनाऊ और सुबह डालू मैं यही सोच रही थी कल उठूंगी तो देखूंगी कि बनाई बनाई नहीं तो फिर परसों डाल दूंगी बना के तो लेकिन जब मैंने इंस्टाग्राम खोला अपना और फिर जब उसमें मैंने देखा जो हमारी हैं सलमा बीबी जिनको लोग इंसाफ बीबी शलवार ग्रुप की गैंग और पता नहीं किन किन नामों से याद करते हैं उनकी मैंने एक बड़ी ही खूबसूरत वीडियो देखी तो मुझसे रहा नहीं गया मैंने कहा ये वीडियो बना के मैं इसी वक्त डालूंगी जबकि ये मेरे मेरा ना वीडियो डालने का टाइम नहीं है लेकिन मैंने कहा मैं इसी वक्त डालूंगी ये वीडियो बना के अब उठ ही गई हूँ आई गई हूँ नीचे तो फिर दूसरी वीडियो बनाऊंगी बिलाल मारिया पे बनानी थी मुझे दूसरी वीडियो लेकिन बस मैं सोचे जा रही थी कि बनाऊ नहीं बनाऊ बनाओ नहीं बनाओ सुस्ती आ रही थी जो सच्ची बात जो है सुस्ती आ रही थी मूड नहीं हो रहा था तो मैंने आ गई हूँ तो मैंने कहा चलो अब उस पर भी बना दूंगी दस आठ दस मिनट की बारह मिनट की जितने मिनट की बनती है तो खैर चले इस पर बात करते हैं अब मैंने जी जो है आप लोग भी जाके देख लीजिएगा मैंने उनकी वीडियो देखी है, और मैं यहाँ लगाऊंगी वो इंस्टाग्राम की वीडियो है तो आप लोग भी देखिएगा और महजूज़ होइएगा और सवालात कीजिएगा सवालात कीजिएगा उन अनभक्तों से उन अनभक्तों से जिनकी आज मैंने बहुत सारे अनभक्तों की वीडियोस देखी जिनको ये कहा गया था मैं भी आती हूँ उस वीडियो पे भी आती हूँ जिनको ये कहा गया था सलमा के अनभक्तों की वीडियो देखी कि जिनको ये कहा गया कि जो वो हैं जो नैना हैं बहुत से लोगों के हिसाब से वो कुछ गड़बड़ कर रही हैं ऐसा नहीं करना चाहिए वैसा नहीं करना चाहिए ऐसा तो नहीं है कि नैना परफेक्ट ही है मैंने तो खैर उस पर कोई वीडियो नहीं बनाई अभी तक के नैना क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है मदीना जाकर भाई सब मुझे कोई मतलब दिल ही नहीं चाह रहा मुझे इस मौजू पे कोई वीडियो बनाने का लेकिन मैंने देखी सबकी वीडियो मैंने बहुत वीडियो देखी भी थी जब सितारा ने किया था वो सब कुछ वहां जाके वो तो विजिट वीजे पे गई थी वो तो गई ही विजिट वीजे पे थी और दो महीने के लिए गई थी फिर उसमें था कि वो उम्र करने भी जाएगी सब कुछ करेगी तो दो महीने में बंदा घूमता है फिरता है शॉपिंग करता है सब कुछ करता है तो उसमें वो उम्र करने भी गई थी ठीक है तो उस पर बहुत बातें बनी थी और जो चीज़ गलत मुझे भी लगी थी तो मैंने भी उस पर वीडियो बनाई थी ऐसा नहीं था जो उनका हाल था स्विमिंग पूल वगैरह स्विमिंग पूल का तो नहीं लेकिन जो उनके बाहर स्विमिंग पूल के बाहर वो अपनी वो तमन्ना और उनके साथ भागते हुए लेट रही थी और सांसें भर रही थी और ये कर रही थी इन चीज़ों पर इन चीज़ों पर वीडियो बनाई और फिर म, वहाँ पर मस्जिद नबी में खड़े होकर जो अपने ससुराल वालों की बुराइयाँ कर रही थी ये कर रही थी तो उस पर मैंने वीडियो बनाई थी कि ये कोई जगह नहीं है ये नहीं है और बाकी इसी तरह की वीडियोस बहुत सारे लोगों ने बनाई थी ठीक है तो इस पे बात की थी जो चीज़ गलत लगी थी नैना पे अभी फ़िलहाल मैंने बात नहीं की इसलिए कि जो सच्ची बात है कि बहुत गलत मुझे नहीं लगा कि मैं कहूँ कि हर चीज़ मुझे उसकी गलत लग रही है ऐसा नहीं हो सकता हर चीज़ किसी की भी गलत नहीं हो सकती लेकिन हाँ कुछ चीज़ें उसकी गलत हैं जो हो रही हैं लेकिन मैंने नहीं बनाई तो इसका मतलब ये नहीं कि गलत नहीं हो रही लेकिन भाई सलमा के अनभक्तों को तो बोलना चाहिए था और लोग उनसे बोलेंगे कि भाई आप अब उठाएं इस पे सवाल उठाएं इस पे सवाल कि नैना ये ये गलत कर रही है नैना ने ये ये चीज़ ग़लत की है वो चौदह दिन के या अठारह दिन के वीज़े पर आइए अट्ठारह बीस दिन के वीज़े पर आइए वो जो होता है अपना उम्र वीज़ा शायद उसी पर ही आई है उम्रा वीज़े पर ही आई है या विज़िट पर आई है मुझे नहीं पता लेकिन बस इतने दिन की आई है कि इतने दिन रहेगी उसमें उम्र करके चली जाएगी तो अच्छी बात है हिजाब ले लिया उसने सब कर लिया लेकिन वो बाकी चीजें भी वो जरा वीडियो में कम दिखाए नाच गाना अपना उछल कूद ये वो इसलिए कि वो इतनी छोटी नन्नी काकी नहीं है ये मैं पहले भी बोल चुकी हूँ लेकिन जी वो वही वाला हाल हुआ वही वाला हाल हुआ जो सियासतदानों पाकिस्तान के अवाम के साथ करते हैं या और मुल्कों में भी करते होंगे मुझे पता नहीं मैं अपने मुल्क की बात कर रही हूँ कि भाई जब उनसे बोलो कि तुम्हारे जमाने में ये करप्शन हो रही है ये बुरा हो रहा है ये यूँ हो रहा है तो वो गिनवाने लगते हैं पिछली हुकूमत का कि देखो वहां पर कितनी चोरी हुई थी देखो वहाँ पर महंगाई कितनी थी देखो ये तो उनसे यही कहा जाता है अब ओ गधे के बच्चों वहां पर ये सब हो रहा था उन्होंने ये सब किया था इसीलिए तो तुम्हें वोट दे के लाए हैं अगर तुम भी यही करोगे तो फिर तुम में और उनमें फर्क क्या है लेकिन वो अपना अपनी चोरी और अपनी गलतियां नहीं गिनवाते वो पिछली वालों की गिनवाते हैं ठीक है तो यही आज सारा कुछ मुझे आज की वीडियोस में नजर आया जो लोगों ने बनाई उन्होंने नैना पे तो कोई बात नहीं की कि कि कोई छोटी मोटी गलती सही दिखे तो उनको लेकिन नहीं नहीं दिखेगी ना इसलिए कि नैना आजकल सलमा की मंजूर नजर हुई हुई है प्यारी प्यारी भांजी हुई हुई है तो सलमा के अनभक्त जो हैं उनको नैना की कोई गलती नजर नहीं आएगी उनको सलमा की भी कोई गलती नजर नहीं आएगी उनको नैना की भी कोई गलती नजर नहीं आएगी इसलिए कि वो इतनी परफेक्ट औरत है सलमा और उसके अरीब करीब जो रहता है उसकी वजह से वो परफेक्ट तरीन इंसान हो जाता है जैसे सलमा है इसी तरह नैना हो गई हैं रूबीना हो गई हैं पुप्पी आ गई हैं उनके बच्चे हैं सलमा के सब परफेक्ट तरीन इंसान हैं और जी उन उन्होंने ये गिनवा दिया कि क्या बताएं हम नैना के लिए कि स्विमिंग पूल में नहा रही थी क्या बताएं हम नैना के लिए कि वो बाजारों में शॉपिंग कर रही थी मॉलों में वो क्या बताएं हम नैना के लिए उसने मेकअप करवाया नारकली वाला क्या बताएं हम नैना के लिए उसने ये किया क्या बताएं हम नैना यानी कि पिछली गवर्नमेंट का पिछले पिछले मेहमान का गिनवा दिया अरे भाई तुमसे बोल रहे हैं कि तुम्हारे दौरे हुकूमत में ये हो रहा है इसकी बात करो ना इस पे भी लफ्ज उठाओ अल्फाज उठाओ तुम लोग कहते हो हम अनभक्त नहीं हैं, हम आंख बंद करके सपोर्ट नहीं करते हैं हम जो गलत होगा उसको गलत बोलेंगे जो सही होगा उसको सही बोलेंगे हम हर तो सच की बात करने वाले हैं हम सलमा के सपोर्टर्स हक सच की बात करने वाले हैं लेकिन कर तो वही रहें पिछली गवर्नमेंट का गिनवाए चले जा रहे हैं और पिछली गवर्नमेंट का तो याद है सबको वो तो थी करप वो तो थी करप्ट जो पहला मेहमान आके गया ना जो पहला मेहमान आके गया मदीने में दो महीने रह के गया वो तो था ही करप्ट हम तो बोल ही रहे हैं वो तो करप्ट था हम तो इसके बारे में पूछ रहे हैं ना इसके बारे में नहीं बताएंगी नहीं ये तो भाई ये तो इंसाफ पीटीआई पीटीआई तहरीक इंसाफ में जैसे आते हैं ना सब और वो इंसाफ वॉशिंग पाउडर से धुल के साफ़ सुथरे हो जाते हैं इसी तरह ये इंसाफ बीबी के पास आकर इंसाफ बीवी डिटर्जेंट से धुल कर जो भी इनके पास आएगा वो धुल के साफ हो जाएगा इसीलिए नैना पे कोई बात नहीं की जाएगी बस इन पे तो वही वो, वो शहनाज गिल की बात फिट आती है साडा कुत्ता कुत्ता तो आप कुत्ता टॉमी जी बस यही बात आती है और अब बात कर लेते हैं हम जो बात हुई है वीडियो की मतलब अब इस पे भी एक लफ्ज नहीं बनाएंगे बोलेंगे ही नहीं देख ही लीजिएगा आप लोग कल सुबह कोई एक बोल दे इसमें भी अच्छाइयां निकाल देंगे देखो वो नात चलाई हुई थी देखो वो हमद चलाई हुई थी बेशर्मो वहां पर जाके रीलें बना रही है तुम्हारी सलमा बीबी वो रीलें बनाने की जगह नहीं है वो दिखा दो एक दफा हम तो उनके बार बार रुबीना के बार बार दिखाने पे बोलते हैं कि इनको रोज रोज नहीं दिखाना चाहिए लेकिन उन बिचारी के पास कोई कंटेंट नहीं है तो वो बैठी बैठे इधर उधर की दिखा देती हैं उसमें औरतें भी दिखा देती हैं वो जो कि वो गलत करती हैं हम हमें वो गलत लगता है तो तुम्हारी ये जो इंसाफ बीबी है ये जो सलमा बीबी हैं इन्होंने बाकायदा जाकर अपने प्यारे हस्बैंड के साथ लैला मजनू बनते हुए बनाई है एक रील रील ऐसे ही नहीं बन जाती उसमें दस कट होते हैं दस दफा आप आते हैं जाते हैं पीछे होते हैं हाथ पकड़ते हैं ये गलत हो गया वो गलत हो गया मदीने में मदीने में ये काम और मदीने की किस जगह पर मस्जिद नबी अलैहि वसल्लम पर ये काम हुआ है रील बनाई गई है कितने यूट्यूबरों की आपने रील देखी मैंने मास मास्फर गया मैंने रील नहीं देखी दो दफा वो जल्दी जल्दी गया मैंने कोई रील नहीं देखी उनकी वो वीडियो दिखाते थे जियारतें दिखा रहे हैं जहाँ जा रहे हैं वो दिखा रहे हैं आने काबा दिखा रहे हैं सब दिखा रहे हैं और भी यूट्यूबर हैं और भी अदाकार हैं जो वहाँ गए उनकी तस्वीरें इंस्टा पर और यूट्यूब पर नजर आती हैं लेकिन मैंने रीलें नहीं देखी अगर किसी ने बनाई है तो लानत है उस पर भी और लानत है तुम्हारी सलमा बीवी पर भी लानत है वो रीलें बना जब वहां खड़े होकर ससुराल वालों की बुराइयां करना गलत है तो वहां पर लैला मजनू बनकर रील बनाना भी गलत है ये रील बनाने के लिए पॉइंट नहीं बना हुआ कि यहां पर यूट्यूबर और टिकटॉकर आकर रीलें बनाए अपनी ये क्या जगह है एहसास है उन लोगों को बड़ी आती है रोजाना जो अपना इस्लाम कार्ड खेलती है अपनी वीडियोस में और माय यूट्यूब फैमिली और ये वो और और वो बेबी वॉइस बनाकर बकवास करती है तो बाहे शर्म आनी चाहिए सलमा को भी और उसके सपोर्टरों को भी लानत अल्लाह की अल्लाह के फरिश्तों की लानत इससे आगे मैं कुछ नहीं बोल रही इतना मुझे गुस्सा आ रहा है उसकी वो रील देखकर कि शर्म से डूब मरना चाहिए एक तो वो वैसे ही सवा महीना नहीं हुआ उसका वो इतनी पाक जगह पे घूमती फिर रही है ये सब कर रही है लेकिन कोई कुछ बोल कैसे सकता है वो तो भाई महान हस्ती हैं वो तो मदीने में रहती हैं इसलिए कोई कुछ नहीं बोल सकता उन जैसी शख्सियत तो आज तक दुनिया में नहीं आई मुझे लग रहा है मतलब जो गुजर गई हैं उनकी मैं बात नहीं करी इंसानों में मतलब समझ गए होंगे आप मैं क्या बात करना चाह रही हूँ चले जी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा बोल तो मैं इससे भी बहुत ज्यादा सकती हूँ लेकिन मुझे यह है कि मेरे मुँह से कुछ बात निकल ना जाए गलत सलत ओके अल्लाह हाफिज